अब कोलंबिया आइस फील्ड के रास्ते में है, 17 किलोमीटर और बाकी है रास्ते में, शायद कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो एक लेन चालू है, एक लेन बंद है, 30 किलोमीटर की स्पीड है। ये नई गाड़ी हमने रेंट की है, देखिए इसमें 40,000 किलोमीटर करीब आए हैं और ये कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत स्लो है। गाइस हम लोग अभी कोलंबिया आइस फील्ड की बस में चढ़ेंगे, यहाँ से दो तीन बसेस बदल जाएंगी ऊपर के लिए, फिर वहाँ से बड़े साइज की बसेस आती हैं। देखिए आसपास कितना, ब्यूटीफुल है एक्चुअली। वो जो ऊपर नजर आ रहा है ग्लेशियर, वहां तक जाना है हम लोग। बस के अंदर आए हैं अभी, तो बस स्टार्ट होगी, यहाँ से दो तीन बस एक साथ जाएंगी शायद। देखिए बस में भी अंदर हीट है, वाई नॉट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज सितंबर 19 है और हम लोग अल्बर्टा के कोलंबिया आइस फील्ड में जाने के लिए बस हायर की थी, लेकिन इन लोगों ने पहले हमें डाइवर्ट किया है स्काई वॉक पे। तो देखते हैं, आसपास की सीनरी बहुत सुंदर है, आपको दिखाता हूँ। बस अभी स्काई वॉक पर रुकी है, चलते हैं पैदल। सो बस हमें छोड़ के यहाँ पर स्काई वॉक पर चली गई है, हम चलते हैं थोड़ा आगे स्काई वॉक पर। ये देखिए स्काई वॉक के नज़दीक पहुंच गए हम लोग, चल के दिखाते हैं आपको कैसा लगता है वहां से, क्या फीलिंग है। वो नीचे कुछ झरने बह रहे हैं, इसको रॉकी माउंटेन कहते हैं लोग। स्काई वॉक पर यह कुछ डिटेल्स लिखी हुई हैं। Okay.
Hello everyone, welcome to the Canadian Rockies. We're currently at the Glacier Skywalk. This structure has been here for 10 years and it's a cantilever. So it's anchored with 34 metal anchors that go 16 meters into the bedrock. This year in the Canadian Rockies, we can see a few beautiful mountains as well as the Columbia Ice Field that names this area. We also have glaciers over here and it's a beautiful sight to see. ये बस है जो हम लोगों को एकदम ग्लेशियर तक लेके जाएगी और इसके टायर देखिए कितने बड़े हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5.5 feet हाई। मैं खड़े होकर दिखाऊंगा तो मेरे से भी ऊपर जाते हैं। But it is built for steep roads and icy terrain, both of which we will be using today. So as you would have heard from Brandon on the way up, this is one of our Ice Explorer models, a very unique vehicle, as this bus here is one of only 23 of its kind on the entire planet. Does anybody want to guess how many of those 23 we own here at the Columbia Ice Field? बस हमारी अब बैक करती है तो हम लोग देखिए यही वाली बस एकदम ग्लेशियर के ऊपर चल रही है। देख सकते हैं बस की हाइट कितनी है, ड्राइवर के सिर पर ऑलमोस्ट टायर जा रहा है। ये अथाबास का ग्लेशियर है ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा के पास कनाडा में। सुंदर है ना, बहुत तेज हवा है और बहुत ठंडा है। ये ग्लेशियर का जो वाटर है इसको मैं एक बोतल में इसमें भर के जाता हूँ। ग्लेशियर पर आइस फील्ड पर वॉक कर रहे हैं। वापिस चलते हैं इसी बस से, आइस फील्ड से उतर के वापस इस बस से नीचे की तरफ जा रहे हैं। ग्लेशियर से नीचे उतर के आ गए हैं हम लोग। सो आइस फील्ड से उतरने के बाद ग्राउंड पर जाने के लिए एक और माउंटेन पर चढ़ना पड़ता है। इसका आप स्लोप देखिए कितना, मैंने स्ट्रेट पकड़ा है कैमरा, 30% स्टीप है और इतना हैवी बस भी पूरी ताकत से चल रही है।